ठीक है, हमने इससे लाया भी बोया है, लाया और तुम्हारे हमने बाजरा भी बोया है। बाजरा, वो तो बारीक बारीक हो गया, फिर भी बे दियो। और तुम्हारा मटरा और चना भी बोया है। अच्छा, यानी तो राम राम सबने भाई, एनडीआर वर्ल्ड ब्लॉग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है भाई। उम्मीद करते हैं सारे लोग बढ़िया होंगे। तो भाई आज की जो वीडियो है वह वीडियो भाई मारे पिक्चर देख रहे हो आप, या 1644 है, और इस पर भाई एक मशीन लाग रही है जो भाई के हर किसान भाई के द्वारा जरूरी होने चाहिए। मतलब जो भाई अपने खुद की खेती करे हैं उन खातर भी जरूरी है, जैसा मक्का बाजरा गेहूँ, मतलब ए टू जेड कौन सी फसल बो रखी हो अपने, उस खातर वो जरूरी है, मतलब बोने खातर बीज, मतलब काफ़ी बढ़िया बखेरा है। तो भाई आज इससे की वीडियो बनाएंगे भाई। और ट्रैक्टर कौन सा भाई वो आप देख लेना भाई, डीजल एवरेज कौन सी फसल गिर सका है, बीज कौन सा बो सका है, सारी चीज़ें आपने बताएंगे भाई। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, बाकी इससे के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देंगे, बाकी आप कमेंट में बता देना भाई। तो भाई यो है ट्रैक्टर 1744 FE, तो इस पर एक मशीन चल रही है वो आपने दिखाएंगे भाई। यो है भाई मशीन, मतलब बीज बोने की मशीन है, और इस तब भाई काफ़ी सारे बीज बोए जाए हैं वह चीज़, और आज देखेंगे भाई आज इस मशीन से क्या चीज़ बो रही है, तो आज देखते हैं भाई। सब में गेर तो बराबर करके भाई, आज की आज सब वो रखे भाई मूंगफली, तो मूंगफली गिर रहे भाई इस तरह ही गिर रहे। कहाँ गिरे? हाँ सूख गए, सही चल रहे उनको। तो भाई आज इससे ही बोएंगे, अपने भाई ने भी बात करेंगे, और समझो भाई 2-2.5 बीघा खेत है इससे में बेनी है, और कितना टाइम लगे वो भी आप देख लेना, अब सारी चीज़ आपके सामने रहेगी वो आप बताना। तो भाई अपने भाई ने तो बात करते हैं भैया। राम राम। राम राम। नाम क्या है अपना? मेरा नाम डोईलाल है। और एड्रेस? एड्रेस मेरे गांव का नाम है ढेंगुरा। अच्छा ढेंगुरा, यानी कोई ज्यादा दूर ना है। तो अब भी ये ट्रैक्टर है अपना, कौन सा मॉडल है? या ये मॉडल हुआ कहीं 2015 का होगा। अच्छा 2015 के आसपास। और अभी इस पर जो मशीन लग रही है किस किस काम आवे है? ये इससे कुछ भी बंबा लो, मतलब बवाई की मशीन है। यार बवाई की मशीन है इस पे कई दिन लाया है। ये देखो मक्का मूंगफली, गेहूं और तुम्हारा चना है, मटरा है, और तुम्हारा कई दिन लाया है। अच्छा। और तुम्हारा लाया के बाद कई दिन तुम्हारी अभी ये बोले कई दिन उर्द मसूर, अच्छा बाजरा, उर्द तिली, यानी कोई चीज नहीं, मतलब कोई सी फसल बो सके इससे। हाँ। तो ये चीज तो बढ़िया है। तो अभी आखिर जो बवाई होगी अभी तो इसमें शायद मूंगफली गिर रहे है इसमें। हाँ, ना मूंगफली है, मूंगफली तो मतलब अभी मूंगफली का सीजन चल रहा है भाई, और मक्का का सीजन है। हाँ तो अभी इसमें मूंगफली गिर रहे, तो बाकी कितना टाइम लग जाए इसमें बीघा में? बीघा में ये 1 एकड़ में कम से कम 1.25 घंटा। अच्छा जैसे यहाँ की कीमत फिर तो ज्यादा होगी। हाँ, 1.25 लाख। अच्छा मतलब नॉर्मल मशीन तो ज्यादा आवे इसकी। हाँ। बाकी इस तक कोई सी फसल भी बो सको इससे। तो भाई इस चीज के बारे में देखना भाई, ये चला के देखेंगे इसे ना कैसा रहेगा। बाकी भाई ने सही बताया, अब देखना भाई टाइम कितना लग गया है, केरा होगा, सारी चीजें आज आपने क्लियर कर देंगे भाई। मशीन किसी चल रहा है किसी ने चल रहा करती। अच्छा लाया बाजरा बोए हैं। और लाया और बाजरा तो काफी बारीक चीज होए करे। इससे क्या क्या चीज बैली हमने, जो अब तो कही थी तुम्हारी मक्का मूंगफली चल रही है। हाँ मक्का मूंगफली चल रही है अभी तो, सही है ठीक है। हमने इससे लाया भी बोया है। लाया और तुम्हारे हमने बाजरा भी बोया है। बाजरा वो तो बारीक बारीक होए कर फिर भी बे दियो। तुम्हारा मटरा और चना भी बोया है। अच्छा यानी जहाँ से लेके आए हम ये क्या मटरा से और चना से और मक्का से नहना कितना भी दाना देना। अच्छा मतलब तिली भी बह जाएगी इससे। नहीं मतलब बारीक बारीक बीज भी होंगे वो भी फसल बह जाएगी इससे। हाँ। तो ये चीज तो बढ़िया है किसान के लिए। लाया और बाजरा तो खूब बहने। बाकी उपजने में कैसा है? एक बार तो बोते हैं तो बोते हैं, फिर उपजने में कैसा है? 100 ग्राम बीघा का लाया बहते हैं उसमें से उखाड़ना पड़ जाए। अच्छा उखाड़ना पड़ जाए 100 ग्राम में से भी।
तो फिर तो यार काफी बढ़िया चीज है। और किसान को जो मतलब हाथ से बिखेरे हैं तो वहाँ बीज भी ज्यादा लगे है और उपजने की शिकायत भी कम रहे उस समय। वो लाया इतना उपजे के हमने अपने गांव में बो है। अच्छा, तो हमें 150 ग्राम बिया को बो, हमें इतना बिकट पजू शायद आधे से ज्यादा वहन पड़ूगा। अच्छा सही है भाई। बाकी आज इस भाई इसमें चलते हुए दिखाऊंगे अपना किसा चलता है, ट्रैक्टर की स्पीड के रहोगी। तो वैसे कौन से गियर में चल रहा है यू? पहले के हाई में। बाकी तेल वेल कितना खा जाए? स्वराज है कितना खा जाए? अच्छा एवरेज लगाया, फिर भी अनुमान तो कितना खा जाए? अच्छा एक एकड़ में 2 लीटर। तो भाई ये तो सही है, ज्यादा से ज्यादा तो फिर तो बढ़िया चीज है भाई। मतलब तेल का खर्चा भी ना है और किसान के लिए बहुत सहायक है। हाँ स्वराज तो वैसे भी सबसे ज्यादा तेल खा के चल रहे हैं यार। और भाई फिर देखें इसकी आज स्पीड भी चेक करेंगे, किसा काम करा है वह चीज भी देखेंगे आज। और जब भी वह मूंगफली उपज आएगी भाई वो चीज भी हम अपने बताएंगे। तो बाकी भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो ना भाई लाइक कर देना और पूरी वीडियो में भाई एंड तक बनाए रहना, फिर देखते भाई। और यो है भाई बंसी कृषि यंत्र उद्योग धर्मी पंचाल पलवल रोड खैर अलीगढ़। तो भाई यो है, तो भाई यो खैर अलीगढ़ की बनी हुई है या अपने घर है कि ये ज़्यादा दूर की गुना। और भाई हर चीज़ है मतलब सारी चीजें, मतलब इसमें कौन सी फसल बोले बस थोड़ी बहुत सेटिंग करनी पड़े है। बाकी यो जो अगर आ रही है यो चेंज करनी पड़े है और कोई दूसरी फसल बोनी है तो यो मट्टी जम चुकी है भाई उसमें देख सको आप। तो भाई अब ट्रैक्टर स्टार्ट हो लिया, अब इसने भाई बोना स्टार्ट करेंगे। और भाई इसमें कपलिंग वपलिंग का किमें सिस्टम को नया है, सीधा भाई डायरेक्ट व्हील दे रखा है जड़ा से। जब भी आप इसकी चाल बढ़ा मतलब ट्रैक्टर जब भी आगे बढ़ेगा ना नीचे लिफ्ट गिर गए जब भी ऐसा चलाएगी भाई। अब देखो यो है ट्रैक्टर की स्पीड भी भाई, स्पीड तो कम सी लग गया है लेकिन भाई बढ़िया काम करने खातर ट्रैक्टर स्लो भी चलाना पड़ा है भाई। इसमें अभी चलान का भाई काफ़ी सिस्टम रहेगा, जड़ ज़्यादा नीचे पहुंच गया फिर झंझट है, जड़ तो ऊपर पहुंच गई फिर झंझट है। माँ भी बैठ लियो भाई, तो भाई यो देख सको यो सिस्टम चल लग रहा है इसका भाई, यो घूमती जा है इस तरीके चल लग रहा है भाई। बाकी स्पीड देख सको भाई काफ़ी स्लो चल रही है, काफ़ी बढ़िया काम कर रही है भाई बोने का। और आप देख सको इसमें बीज गिरता हुआ दिख रहा है, आराम से दिख रहा है भाई बीज आराम से दिख रहा है। बाकी पारे कितने हैं इसमें? 2, 4, 6, 11 फारे का आया और बढ़िया चल रहा है। जा तो भाई पूरा घेरा घेर दिया समय। स्पीड भी कम में ज्यादा ना भाई, आराम से बोझ आ रही है। अपने पैर थोड़े से पीछे रखे करो, तो भाई किसान खातर काफी सहयोगफुल है या ये मतलब काफी हेल्पफुल है। और भाई काम तो काफी बढ़िया करा है मतलब जल्दी कर दे है और हाथ तक अड्ड हो गए ना इस समय तो इससे खेतों में भाई कम से कम भाई पूरा दिन लग जाएगा। और इसमें भाई मुश्किल तो है ज़्यादा से ज़्यादा आप खींच के मारने को तो भाई 20-25 मिनट लग जाएंगी और काम हो जाएगा भाई पूरा एक नंबर का। और जड़ा से जितना बीज चाहो आप
उतना बीज इसमें आराम से बो सको हो, जिसमें आप देख सको यो वो राखी है, हमारे पीछे भी देख रखो यो लाइन चल रही है भाई। हट जाए करो, भाई ट्रैक्टर में पावर स्टीयरिंग कोन्या है, सादा स्टीयरिंग है और फिर भी बढ़िया चल रहा है। तो भाई इस बार मॉडर्न खातर ना ब्रेक की घनी जरूरत पड़े है, बाकी वो देख सको भाई सारा में चल रहा है, बारी बारी चल रहा है। भाई आपको बीज के संग ना आप कोई मतलब DAP यूरिया खाद वगैरह आप घेरना चाहो ना तो अगले वाले में घेर दो, तो क्योंकि भाई इस वाले के तो पाइप ना लग रहे, यह वाला बंद है, चालू कर सको इसने, लेकिन भाई अगले वाला चालू है, लेकिन इसमें भाई बीज ना के रखा मैं देख लो खाली पड़ा है। तो बाकी भाई आप बता देना इसकी कीमत आपके आपके ज़िले में कौन मतलब कितनी है, बाकी हमारे किसान भाई ने बता रखी है इसकी कीमत जो बता रखी थी भाई 1.25 लाख के आसपास आवा है। यो मोड़ गया भाई, भाई ट्रैक्टर तो कड़े प्यार से चल रहा है, आराम से चल रहा है और आप चाहो तो सुने स्पीड तक भी चला सको हो, और भाई लिफ्ट का घने आराम मतलब ख्याल करना पड़ा है, आप देख सको भाई का लीवर पे हाथ रख पड़ रहा है, तो इस चीज़ का ख्याल करना पड़ा है भाई। तो भाई सारा काम हो लिया ट्रैक्टर ने भाई मूँगफली बो दी, खेत देख सको भाई ये हो गया अब, और यो आ गया फिर था ट्रैक्टर भाई, वो भाई इसको फट्टा जो है ना हल्का है, तो इस सब वजह से भाई किसान भाई इस पर बैठाना पड़ा है, और भाई बिठाने क्यों भाई देख रेख सही रह है, जड़ से बीज खत्म हो जा है और कोई रुक जा है उस खातर देख देख उन खातर बढ़िया रह है एक का किस्से का रहना। बाकी आप देख सको भाई ट्रैक्टर किसा चल रहा था, किसान चल रहा भाई काम किसा कर दिया भाई, आप कमेंट बता देना भाई, और यो भाई यो मशीन भाई थोड़े बहुत कामयाब आ सके है या ना आई करती आपके अकॉर्डिंग, यो चीज़ आप मन बता देना भाई कमेंट में। बाकी भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, और भाई मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, और भाई कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दो, फिर मिलते हैं भाई अगली वीडियो में।